हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने आधार कार्ड को कैसे हम NPCI लिंक कैसे करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने क्रोम ऐप पे ओपन कर लेना है। क्रोम ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार पर टाइप करना है NPCI और सर्च कर देना है इसे। तो दोस्तों, वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप NPCI सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप पे एक दिखेगा URL, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो इसे आप ओपन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लिए हैं, तो ये पोर्टल ओपन हो जाएगा दोस्तों NPCI। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा कंज्यूमर, मीडिया, डेवलपर, ये ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर आप कंज्यूमर के सामने आपको प्लस का आइकन दिख रहा है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो यहाँ पर आप कंज्यूमर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्लस प्लस पे, तो यहाँ पर आपके सामने ये सारे ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, भारत आधार सीडिंग इनेबलर, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। ये अभी लोड ले रहा है दोस्तों, ये देखिए अब ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप दो चीज देख सकते हैं, यहाँ पर गेट आधार मैप्ड स्टेटस देख सकते हैं और गेट आधार मैपिंग हिस्ट्री। जैसे मान लीजिए आप गेट आधार मैपिंग हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि आपका आधार NPCI किस बैंक में लिंक है। ओके, तो वो सभी बैंक यहाँ पर शो करेंगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गेट आधार मैप्ड स्टेटस किस बैंक में लिंक है NPCI आधार, तो हम इसके लिए यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। ओके, उसके बाद आधार नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा बॉक्स को कैप्चा पे फिल पे करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं इसको। जैसे ही आप फिल कर लेंगे, यहाँ पर आप चेक स्टेटस पे क्लिक कर देंगे सिंपली। ओके, तो यहाँ पर आप 6 डिजिट OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो आपके आधार पे लिंक होगा। ओके, तो यहाँ पर उस OTP को आपको इंटर OTP पे फिल करना है। ओके, तो चलिए हम OTP को फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप OTP को फिल कर लेंगे दोस्तों, यहां पर आप सबमिट करेंगे। ओके, तो जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, इसके आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा, स्टेटस आपका शो करेगा, आधार नंबर आपका शो करेगा यहाँ पर, और मैपिंग स्टेटस आपको यहाँ पर एक्टिव शो कर रहा है, मतलब आपका एक्टिव है। ओके, और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर बैंक नेम भी शो करेगा, किस बैंक में आपका NPCI आधार लिंक है। ओके, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, इस यहाँ पर इस जगह पर, तो इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर ये बैंक ऑफ बड़ौदा में NPCI इसका आधार लिंक है। ओके, तो अगर आप अपना NPCI आधार लिंक कराना भी चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बैंक अपना विजिट करना पड़ेगा। बैंक ब्रांच जहाँ पर आपका अकाउंट ओपन है, वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ से फॉर्म लेना पड़ेगा आपको NPCI आधार लिंक वाला। उसको आप लेने के बाद उसे फिल करेंगे और अपना बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, ये तीनों चीज़ आप सबमिट कर देंगे वहाँ पर बैंक में। उसके बाद आपका 2 से 3 दिन में NPCI आधार लिंक हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।